हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर एंड आई एम बैक विद द पिक अ कार्ड रीडिंग। सो मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल ब्लू पाइल येलो। आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक इस रीडिंग का रहेगा कि अगर आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है आपके पर्सन से और कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपका राइट नाउ आपके पर्सन के साथ, बट आप उनकी करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हो। लाइक आई सेड, दो पाइल्स हैं ब्लू येलो। आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। टू नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है प्लस फ्यूचर क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो उसे तभी रीच आउट करो, और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं पायल ब्लू से, देखते हैं जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज़ किया उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, पहले वो जानते हैं एंड उसके बाद देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा कनेक्शन का। सो ये दो कार्ड्स हैं जो कि हमें बताएंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इस वाले कार्ड से हमें पता चलेगा फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, और ये दो एडिशनल कार्ड्स हैं कि और हमें क्या गाइडेंस मिल सकती है इस कनेक्शन को लेकर जो आपका आपके स्पेसिफिक समवन के साथ है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की फॉर यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। राइट नाउ अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, कोई स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। मुझे लगता है कि उनको लग रहा है कि शायद इवन दो प्यार फीलिंग्स इमोशंस हैं उनके दिल में आपको लेकर, लेकिन somehow उनकी नज़रें अभी किसी और चीज़ के ऊपर हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उनकी करंट फीलिंग्स जो है वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे और बातचीत भी शायद नहीं करने के लिए रेडी हैं राइट नाउ। उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कहीं ना कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल या बहुत ही हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलना चाह रहे हैं राइट ना, और शायद उनको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम देना राइट ना उनके लिए सही नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप उनको देखोगे कि वो आपसे दूर जा रहे हैं और आपको लगेगा कि और दूर जा रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट बिकॉज कि उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ देयर फियर्स। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाह रहा है, सप्रेस करना चाह रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन समहाउ राइट नाउ प्रायोरिटाइज जो है वो आपको नहीं कर रहा। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, लेट मी टेक अ क्लैरिफायर है, क्योंकि मुझे एट ऑफ कप्स की एनर्जी से यूजली हमेशा यही लगता है कि एक जो भी पर्सन होता है वो बेसिकली ग्रेजुअली बट श्योरली वो राइट डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है। सो हम क्लैरिफायर ले लेते हैं दोनों कार्ड्स के लिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स के लिए भी और एट ऑफ कप्स के लिए भी। ओके, ऑन एंड ऑफ एनर्जी आपके पर्सन की फॉर श्योर। हो सकता है आपकी बीच में बातचीत होती हो फिर ख़त्म हो जाती हो, फिर होती हो फिर ख़त्म हो जाती हो। काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है ना उसको राइट नाउ उसका करियर जो है या फाइनेंस जो है वो उसकी टॉप प्रायोरिटी है, उसको बाकी सब चीज़ें कभी दिखती हैं कभी नहीं दिखती। तो उसके लिए अगर आपको लगे ना कि आप शायद पर्सनल ले जाते हैं उसके एटीट्यूड को, इन एक्चुअलिटी इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। यू नो अगर आपसे वो बात करते हैं फिर बात ख़त्म हो जाती है आपके पर्सन की, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद मेरी वजह से कुछ ऐसा है। ना, आपका पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश अगर हम कहें तो वो भी सही रहेगा, काफ़ी हद तक सिर्फ अपने बारे में सोचता है और आपके बारे में इतना नहीं सोचता कहीं ना कहीं। नॉट बिकॉज उसको प्यार या फीलिंग्स नहीं है, जस्ट दैट कि दो चीज़ें हो सकती हैं, एक ये कि उसको फियर ऑफ लूजिंग ना हो कि वो आपको कभी खो देगा, वो फियर उसको शायद नहीं है। दूसरी चीज़ उसके लिए राइट ना जो प्रायोरिटी पे है वो उसका काम है। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जब चीज़ें मेरी इस एरिया में सही हो जाएंगी तो मैं आपको अप्रोच कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसलिए वो आता जाता रहता है आपकी लाइफ से। मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर। सो आपका पर्सन चाहे जो भी सिचुएशन है राइट नाउ, आप लोगों की रिकन्सिलिएशन तो होगी, आपकी बातचीत दोबारा होनी है। वो लास्ट करती है नहीं करती वो इस पर्सन के एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह चीज़ों को आगे लेके जाना चाहता है। काफ़ी हद तक देखा जाए तो अगर हम अगर हम इसको रियल उसमें देखें और अगर हम इसको डेप्थ में देखें तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सारा कंट्रोल आपकी नज़र से अगर हम देखें तो वो आपके पर्सन के हाथ में है, जबकि इन एक्चुअलिटी दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। सो कहीं ना कहीं अगर आप चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, बट यस अगर आप इस पर्सन की हद तक इस सारी चीज़ों को छोड़ दो तो ऑन एंड ऑफ रहेगा कनेक्शन। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या होगा कनेक्शन का। इंतज़ार करो जब तक ये इंसान रेडी नहीं होता टू गिव यू समथिंग स्टेबल।
सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस इंसान के ऊपर छोड़ देते तो फिर तो आप यू नो एजेस अपनी जो है ना वो वेस्ट कर दोगे इस इंसान के चक्कर में या इंतज़ार में. अगर आप चाहो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चेंजेस जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ. सो कनेक्शन मतलब इस इंसान का एक वो माइंड है कि यू नो फ्यूचर में जब उसको लगेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ शादी करना चाह रहा हूँ या लाइफ में सेटल डाउन होना चाह रहा हूँ तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू थिंक अबाउट यू. लेकिन करंट सिचुएशन में वो गिवन नहीं करना चाह रहा, 100% गिवन नहीं करेगा डेडिकेशन के साथ. सो दैट्स द इशू जिसकी वजह से कनेक्शन ऑन एंड ऑफ जा रहा है. सो इफ़ यू वांट कि चीज़ें बेहतर हो यू नो स्टेबल हो तो मे बी यू नीड टू मैनिफेस्ट द चेंज दैट यू वांट. सो देखते हैं लास्ट टू कार्ड्स क्या ऐड कर रहे हैं. द वर्ल्ड ब्रिलियंट सक्सेस द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन अ जर्नी दैट इज़ नाउ कम्प्लीट. आई फील लाइक यू नो ये इंसान फिलहाल एक इसकी इंडिविजुअल जर्नी पे है राइट नाउ. एज द जर्नी कम्प्लीट्स तो ये चेंज हो जाएगा टूवर्ड्स यू टूवर्ड्स द कनेक्शन एज वेल. फिर आप एक नया स्टार्ट लोगे एक दूसरे के साथ और फिर ये इंसान फियरलेस होकर आपकी तरफ अप्रोच करेगा आपको. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइल यू वेट अगर आप स्पेशली इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इन दैट सिचुएशन आपको चाहिए कि आप अपने आपको अपने लिए जो है ना आपको चाहिए कि आप अपने अपने लिए या तो हॉबी कोई ढूंढ लो या फिर आप अपने करियर में इतना बिजी हो जाओ कि आपको एज सच इतना फ़र्क नहीं पड़े कि ये इंसान है या नहीं है, बातचीत हो रही है या नहीं है. डीप डाउन आप भी उसी तरह से हो जाओ जैसे ये इंसान आपको लेकर है. दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपना माइंडसेट चेंज करो टुवर्ड्स दिस पर्सन या इस इंसान को अपने लिए चेंज करो. बोथ सिचुएशन में आपका माइंड ही सारा कुछ आपके लिए चेंज लेकर आएगा. सो मेक श्योर जो भी आपको सूट करती हैं चेंजेस आप उन चेंजेस को लेकर और आपके कनेक्शन में देखोगे कि आपको पॉजिटिविटी दिखेगी एज यू चेंज योर सेल्फ और अपना माइंड सेट जब चेंज करोगे इस इंसान को लेकर. बट पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि डिलेज के साथ हैं. सो अगर आप वेट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तब भी आपकी मर्जी है. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल विच इज़ द येलो वन पाइल. सो देखते हैं जिन लोगों ने येलो पाइल चूज़ किया क्या करंट फीलिंग्स हैं आपकी पर्सन की आपके लिए. पहले दो कार्ड से देखते हैं उसके बाद द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन और लास्ट टू कार्ड जो होंगे वो एडिशनल गाइडेंस देगा टूवर्ड्स द कनेक्शन और सिचुएशन दैट यू आर डीलिंग विद इस इंसान के साथ. सो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर. फाइव ऑफ कप्स किंग ऑफ पेंटिकल्स डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन जितना वो खुद में डिसअपॉइंटेड है उतना ही वो आप में भी डिसअपॉइंटेड है. ऐसा नहीं है कि आपको ब्लेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डीप डाउन दिस पर्सन नोज. अगर वो आपको ब्लेम भी करता है जैसे एक वो नार्सिसिस्ट का जो एटीट्यूड होता है वो भी हो सकता है आपके पर्सन के अंदर, लेकिन डीप डाउन अगर वो कभी भी अकेला हो या सोचे तो वो उस इंसान को ज़रूर रियलाइज़ होगा कि समहाउ उनके एंड से वो चीज़ नहीं हुई कनेक्शन के अंदर, उनके एंड से वो जस्टिस नहीं दिया गया कनेक्शन के अंदर जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें ख़राब हैं. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन वो राइट नाउ जो है वो फील कर पा रहा है कि कहीं ना कहीं दे हैव लॉस्ट थिंग्स, क्योंकि एक स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं वो कनेक्शन के अंदर जिसकी वजह से कनेक्शन उनके हाथ से छूटा चला जा रहा है. सो मुझे लगता है कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड है इवन दो कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो शायद इट्स मोर लाइक मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपसे जो डिमांड कर रहा है वो ये डिमांड कर रहा है कि आप उसके सपोर्ट सिस्टम की तरह उसके साथ उसके पास खड़े रहो एंड देन उसको जब आपकी ज़रूरत हो वो आपसे बात करे, जब आपसे ज़रूरत नहीं हो आपसे बात नहीं करे. सो दिस पर्सन इज़ अगेन ऑलमोस्ट द सेम एनर्जी जो पाइल वन में भी थी कि आपका पर्सन बेसिकली ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही करियर ओरिएंटेड है. ठीक है, दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको दिल में बुरा फील होता है कि यू नो ये सही नहीं कर पा रहा आपके साथ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो वही कर रहा है जो उसको सही लग रहा है. कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटी उसका काम है, कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटी उसकी बाकी चीज़ें हैं. इवन तो वो खुद से भी आवाज़ार होता है एट टाइम्स कि आई विश कि मैंने ये ऐसे कर दिया, रिग्रेट्स होते हैं इस इंसान को. लेकिन एक होता ना कि आपको रिग्रेट फील हुआ आप सॉरी फील करो, आप सॉरी बोलो, अपोलोजाइज करो, वो चीज़ नहीं है. एक बुरा फील हो रहा है, आप थोड़ा सा सैड हो गए, अपसेट हो गए, देन यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ. तो उस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की. क्लैरिफायर स्टिल ले लेते हैं, लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हम यू नो देख सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से. क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की. उनका बहुत दिल करता है कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन रहे, लेकिन समहाउ वो अपने एंड से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते. वो चाहते हैं कि आप सारा एफर्ट डालो इस कनेक्शन के अंदर, वो जस्ट इन्जॉय करें यू नो इस प्यार को जो आप उनको करते हो, विच इज़ नॉट एक ऐसी चीज़ है कि जो कि कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं ला सकती है, क्योंकि वन साइडेड रहेगा और फिर जो आप फील करते हो या आपकी जो फीलिंग्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको कभी फुलफिल होती नहीं मिलेंगी आपके पर्सन के एंड से. लेकिन डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट राइट वे में थिंक नहीं कर पा रहे मे बी. लेट्स सी
फाइनेंशियली इनको पता नहीं क्यों लगता है कि इनको बहुत एफर्ट करना पड़ता है और इनके पास और किसी चीज़ के लिए राइट नाउ टाइम नहीं है. सो दैट्स व्हाट दे आर, कंप्लीटली वर्क का हॉलिक किस्म का इंसान है जो आपका पर्सन है, जिससे भी आप डील कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं कभी ये सैड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि इनके जहन में आपके बारे में इतना एज सच ख्याल नहीं आए. सो दिस पर्सन इज समबडी हु इज़ वेरी क्रेजी व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क. मतलब वो रात को आपसे बात करने के लिए शायद जाग नहीं सकते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क तो ये आप इनको पूरी रात जगा के भी रखोगे तो जागे रहेंगे. यू नो, उल्लू के जैसे एक वो चीज़ है, बहुत एक्साइटेड पैशनेट टूवर्ड्स वर्क. व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ बहुत ही अनअवेलेबल टाइप का इंसान है आपका पर्सन जो भी है. लेकिन डेफिनेटली इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है, लेकिन समहाउ इनको पता है कि वो सही नहीं कर रहे, जस्टिस नहीं कर रहे आपको लेके, कनेक्शन को लेके, लेकिन एट द सेम टाइम कोई एफर्ट भी नहीं कर रहे, तो विच इज़ रॉन्ग. देखते हैं फ्यूचर क्या होगा आपके कनेक्शन का. ये चीज़ें जल्द खत्म हो जाएंगी, जो नेगेटिविटी है जल्दी ख़त्म हो जाएगी. मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली देखो कोई भी इंसान होता है वो एक टाइम आता है, एक फेज़ आता है जहाँ पे यू वांट लव, यू वांट केयर, यू वांट यू नो, स्पेशली जब आपको रियलाइज़ भी हो पा रहा है कि यू नो यू आर डूइंग रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली चेंजेस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे इस इंसान में. वाइल यू वेट आई वुड सजेस्ट कि आप अपने विजुअलाइजेशन की जो रूटीन जो है ना वो रेगुलर कर लो. रात को सोने से पहले अगर आप मेडिटेशंस कर लो, विजुअलाइजेशंस कर लो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपको रिजल्ट जो आप चाहते हो, आपके पर्सन के अंदर जो चेंज आप चाहते हो कि वो वैल्यू करे, वो आपको भी उतना यू नो उतना नहीं तो एटलीस्ट बैलेंस तो रखे, यू नो एक कोशिश तो करे अपने एंड से, तो वो चीज़ आपको चेंज नज़र आना शुरू होगा. देखते हैं लास्ट टू कार्ड्स के मैसेज देते हैं. कभी कभी इनको लगता है कि इनको लव लाइफ का गोल परसू करना चाहिए, करियर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन समहाउ वो ऑन एंड ऑफ एक सिचुएशन है. तो काफ़ी हद तक हो सकता है आपका पर्सन कभी कभी आपके साथ बड़ा सही भी हो जाता हो, लेकिन देन उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं नहीं मुझे तो काम करना है. सो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है जो पाइल वन की थी. अंदर ही अंदर इसकी एक खुद के साथ ना एक इनर फाइट जो है वो डेफिनेटली चलती रहती है. कहीं ना कहीं बहुत ही एम्बिशियस इंसान है, बहुत ही करियर ओरिएंटेड इंसान है. इसको पता नहीं दुनिया में इसको कोई भी चीज़ दे दो, इसने सेटल इन फॉर लेस नहीं करना, पहली चीज़. दूसरा ये कि कहीं पे भी स्टॉप नहीं करना इसने. यू नो, इसका जो क्रेज़ है या एक क्रेविंग है कि मुझे इससे बढ़ के चाहिए, इससे बढ़ के चाहिए, वो ख़त्म नहीं होगा कैरियर वाइज. बैलेंस का जो है वो डेफिनेटली मसला है इस इंसान के साथ. जब तक ये आपका पर्सपेक्टिव नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, जब तक ये आपको उतना इक्वली साथ लेके नहीं चलेंगे, सिचुएशन बेहतर नहीं होगी. तो मुझे लगता है कि इस इंसान को थोड़ा यू नो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको लेकर. नाउ आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप एफर्मेशंस बना लो, और जिसमें आप ये कहो कि आपका पर्सन आपको अंडरस्टैंड करता है और आपको वैल्यू करता है और आपके ओपिनियंस को भी वैल्यू करता है. सो उस तरह की कोई चीज़ अगर आप कर लोगे तो वो भी आपको हेल्प करेगी इस इंसान के एटीट्यूड को चेंज करने में. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, जिन लोगों ने पायल ये लो चूज़ किया. बट या अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय.